हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीबडी, ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 4, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के कार्यफलन का मान 6.6 ईवी है। धातु की दहली आवृत की गणना करो। दहली आवृत की गणना के लिए बहुत पूछा जाता है, 2011, 13 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें दिया गया हमको क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार बेटा। कार्यफलन W इक्वल टू दिया है 6.6 ईवी दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमको जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाता है जूल बेटा। ठीक, दहली आवृत न्यू जीरो हमें निकालना है। अब चूंकि हमें पता है कि न्यू जीरो बराबर होता है डब्ल्यू अपान एच, ये फार्मूला है। W की वैल्यू दी गई इतनी, H प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 से इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसको जब हल करते हैं बेटा तो निकल के आता है हमारा कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स के। ये हो गई इसकी देहली आवृत का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कि दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना करो। यहाँ ध्यान देने वाली बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, न्यूट्रॉन है। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। हमें पता है कि लेमडा इक्वल टू होता है एच अपान अंडर रूट 2 mk। ठीक, इसमें लेमडा इक्वल टू एच प्लांक नियतांक है, इसकी लू रख देते हैं। अंडर रूट 2 m मास ऑफ न्यूट्रॉन रखना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ये होता है। बाकी के की वैल्यू रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं बेटा। तो आता है लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में 8024 एंगस्ट्रॉम, ये आता है आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान ईवी में ज्ञात करना है हमको। इसमें निकालना है ईवी में निकालना है। ठीक, इसके लिए देखते हैं ई बराबर फार्मूला होता है एच सी अपान लेमडा, आप पढ़ चुके हो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का है। एच प्लांक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू होती है इतनी। सी प्रकाश की चाल 3×10⁸। लेमडा का मान दिया 5×10⁻⁷ मीटर के। इसको जब हल करते हैं तो यह आता है 3.96×10⁻¹ जूल के। ठीक, और इसको हमको लगाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे 1.6×10⁻¹ से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो ये निकल के आता है ई बराबर 2.47 ईवी के। ठीक, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धातु का कार्यफलन 2 ev है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ये, और 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग के वर्णी प्रकाश से दीप्त की गणना करना, क्या करना है, दहली तरंग दैर्ध्य प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा निरोधी विभव। ठीक, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया ये, जो दिया गया है नोट कर लेते हैं, कार्यफलन 2 ev के बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। ठीक, पहला निकालना है इसके दहली तरंग दैर्ध्य की गणना करो, तो दहली तरंग दैर्ध्य इससे अपान W होता है फार्मूले से ही। ठीक, ये मान निकाल लेते हैं, तो लेमडा जीरो की वैल्यू कितनी आती है 6.2×10⁻⁷ मीटर के। दूसरा है इसके ई की गणना यानी गति ऊर्जा गणना करना है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गति ऊर्जा होगी ई के बराबर होगा ई माइनस डब्ल्यू के, ये फार्मूला होता है। ई बराबर होता है एच सी अपान लेमडा माइनस डब्ल्यू, ये वैल्यू रख देते हैं बेटा, इसको हल कर लेते हैं, तो ये मिलता हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.76×10⁻¹ जूल के। ठीक, थर्ड पार्ट इसका है कि हमें निकालना है इसका विभव। ठीक, तो ई के बराबर होता है ई जीरो के, ये फार्मूला याद कर लेना। ठीक, तो वी जीरो बराबर कितना हो जाएगा ई के अपान ई के, पुटअप कर सारी वैल्यू हमको दी गई हैं। ई के की वैल्यू है 0.76×10⁻¹ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻¹। इसको हल कर लेते, भाग देते थे बेटा, मिलके आता है वी जीरो बराबर 0.475 वोल्ट के, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 500 वोल्ट विभवांतर वी का मान दिया है, त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना हमें करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वी का मान दिया ही है, तरंग दैर्ध्य हम निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर होता है 12.27 बटे अंडर रूट वी से, इस मान को याद कर लेना बेटा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब हल करते हैं तो लेमडा की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम के, ये निकल के आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी धातु का कार्यफलन ये तरह दिया है। धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है, उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है हमको। ठीक, 11 13 14 18 में क्वेश्चन आया है, ध्यान देना इसको। डब्ल्यू इक्वल टू दिया है इतना, इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10^-19 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेमडा इक्वल टू दिया है 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दिया मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 10^-8 के। ई के हमको निकालना है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ई के बराबर एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू की, ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला आपका है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का है। ठीक, एच की वैल्यू तुम्हें पता है कांस्टेंट होती है, निश्चित। सी क्या है, प्रकाश की चाल, ये निश्चित होता है। ठीक, लेमडा का मान दिया गया है और इसको ये दिया है किसमें, इसको हमको बनाना है ई वी में, तो इस 1.6 इंटू 10^-माइनस जूल में बनाना है, तो कितने से गुणा कर देंगे, -19 से, और ये ई वी मान दिया है हमको ऑलरेडी। ठीक, तो ई के बराबर कितना हो जाएगा, 198/1.6 ई वी माइनस 6.6 ई वी घटा देंगे तो 117.15 ई वी किया गया, ये इसकी गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक धातु पर लेमडा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है जब प्रकाश विद्युत धारा के निरोधी विभव 3V हो। ठीक, इसी पृष्ठ पर 2 लेमडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है हमको। ठीक, अब फार्मूला पुराना फार्मूला है कि ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू, ई के क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है। एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू बराबर ई के बराबर होता है ई जीरो के, प्रथम अवस्था में। पहली कंडीशन देख लेते हैं बेटा, एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू से ई इंटू वी का मान कितना है, 3V दिया है, समीकरण नंबर 1। दूसरा है, दूसरी अवस्था में क्या है, एच सी अपॉन 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी, 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू बराबर ई वी, वी का मान दिया है वी के, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर लेते हैं तो मिलता है डब्ल्यू बराबर ई इंटू वी के, और डब्ल्यू बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा के, हमें निकालना है लेमडा जीरो, तो लेमडा जीरो बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा गुणा कर लेमडा जीरो बराबर एच सी अपान ई वी के, ये हमको मिल गया। ठीक, आज तक यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।